जिले में बढ़ते अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर तले पूरे शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने कहा कि श्यामा देवी और मानपुर थाना में लोहा कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी। इसी घटना को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मानव कतार लगाया गया है। डिमांड है इस कैंडल मार्च के माध्यम से कि नालंदा जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहाँ लगातार हत्याओं का दौर जारी है और इस कैंडल मार्च के माध्यम से मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यह सरकार जो है निकम्मी सरकार है, किसी तरह का कोई न्याय देने में ये सक्षम नहीं है। और इसके बाद शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण विरोध किया गया। सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को भी रोकने में पूरी तरह से फेल है। अगर समाज में इसी तरह हत्या की घटना बढ़ती रही तो समाज में हमारे लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। सरकार पहले जनता की सुरक्षा का जिम्मेदारी ले, उसके बाद चुनाव की तैयारी में जुटे। क्या सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ की महिलाओं को भी हत्या कर दी जाती है डकैती के बाद। हम मांग आज के कैंडल मार्च के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हत्या डकैती और बलात्कार करवाना नीतीश सरकार बंद करे। अब कुछ दिनों की सरकार है और उसके बाद भी नालंदा की जनता, उनके गृह जिला की जनता है, लोहा सिंह कुशवाहा को 5 गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, यहाँ श्यामा देवी की डकैती के बाद मार मार कर हत्या कर दी जाती है। इस तरह का घटना अगर महिलाओं के साथ होगा तो नालंदा जिला के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार अपराध पर अंकुश नहीं लगाएगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को करारा जवाब देने का काम करेगी और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नालंदा ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।